बारासुनी से अपहरण किया गया बालक को पुलिस ने 5 घंटे के भीतर किया दस्तियाब। अपहरणकर्ताओं को 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने का पुलिस ने किया था दावा। बच्चे को दस्तियाब करने में यूनुस खान और प्रियंका ने निभाई थी अहम भूमिका। बारासुनी अपहरण कांड का पुलिस ने किया खुलासा। एक नाबालिग सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 25 लाख रुपए की फिरौती के लिए आरोपी ने बनाया था अपहरण का प्लान। किडनैपिंग की मास्टरमाइंड आरोपी युवती पायल रहांगडली भी हुई गिरफ्तार। आकाश उर्फ अमन बिसेन और कृष्णा पटले सहित एक नाबालिग भी इस कृत्य में शामिल। लालबरा के मुरली खान से पंडापानी पहुंच मार्ग 1 माह बाद भी नहीं बना क्षतिग्रस्त पुल। जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे ग्रामीण। नगर के वार्ड नंबर 28 सरस्वती नगर के एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल सहित नाली में गिरने से हुई मौत। वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर में शुक्रवार करीब 10:30 बजे हुई थी घटना। बारासुनी नगर में आए दिन बढ़ती चोरी की वारदात पर अंकुश लगाने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बारासुनी के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के नाम बारासुनी तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। बालाघाट बारासुनी थाना क्षेत्र के ग्राम चिल्लोत के समीप नाले में एक महिला सहित 4 लोगों ने एक व्यक्ति के साथ की मारपीट, उसे किया घायल। बारासुनी पुलिस ने मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। बारासुनी नगर के गायत्री मंदिर में जारी स्काउट गाइड भारत के 7 दिवसीय शिविर के दौरान रैली निकालकर चलाया गया जागरूकता अभियान। वहीं रैली ने पूरे नगर का भ्रमण कर थाने में पहुंचकर संचालित होने वाली गतिविधियों के बारे में ली जानकारी। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भूतना के उमरनाना में बहने से एक व्यक्ति की हुई मौत। बिरसा पुलिस ने व्यक्ति की लाश बरामद कर परिजनों को सौंपा। लालबरा नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 10 दिन के धार्मिक पर्व गणेश उत्सव को लेकर शुरू हुई तैयारियां। भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे मूर्तिकार। 31 अगस्त से शुरू होगा श्री गणेश उत्सव पर। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सालसवार ने अपने निज निवास में आयोजित की पत्रकार वार्ता। जिला पंचायत सीईओ की कार्यप्रणाली से नाराज नजर आए जिला पंचायत अध्यक्ष। कहा, अब आर पार की होगी लड़ाई, आवश्यकता पड़ी तो करेंगे आंदोलन। बीजेपी नेताओं के इशारों पर काम कर रहे जिला पंचायत सीईओ। मलाखंड थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने किया कीटनाशक दवाई का सेवन। बिरसा अस्पताल से जिला अस्पताल बालाघाट किया गया रेफर। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को बिरसा विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला मऊ गांव का किया आकस्मिक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों को ज्ञान परखने हल करने दिया गया था गणित का सवाल। बच्चे तो दूर, मऊ गांव के प्रभारी प्रधान पाठक भी हल नहीं कर पाई सरल सा गणित का प्रश्न। प्रभारी प्रधान पाठक की एक वेतन वृद्धि रोकने और प्रधान पाठक का प्रभार हटाने के कलेक्टर ने दिए निर्देश। कलेक्टर ने भंडेरी जत्ता और मोगांव के छात्रावासों का किया आकस्मिक निरीक्षण। जत्ता छात्रावास में 46 बच्चे में सूची में थे दर्ज, छात्रावास में मात्र रह रहे थे 17 बच्चे। इस लापरवाही पर कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षक को निलंबित करने के दिए निर्देश।
सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का समय पर निराकरण नहीं करने के कारण कलेक्टर ने 8 अधिकारियों पर लगाए 2,000 रुपए के अर्थदंड का जुर्माना। 3 दिनों के भीतर अर्थदंड की राशि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के खाते में जमा करने के दिए निर्देश।